नमस्ते दोस्तों, सुषमा रियल लाइफ ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे छोटे भाई बहन को प्यार भरा आशीर्वाद, और मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं दोस्तों। ये सुबह का टाइम का है वीडियो, और दोस्तों मैं इस समय हूँ अपने पति देव के यहाँ। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, हरा हरा सब पेड़ पौधे, तो थोड़ा सा ही वीडियो बना ली हूँ। और दोस्तों आज मैं ठंडी के लिए तेल बनाऊँगी, तो उसकी सामग्री मैं अभी आप सभी को दिखाऊँगी। तो मैं बाहर थी, बाहर से आ गई हूँ मैं आंगन में, और ये ही है आंगन। तो दोस्तों जो भी मेरे दीदी भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और चैनल को अभी आप तक ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये है रतन जोत, और ये है लौंग, कपूर, लहसुन और लोहबान। तो लोहबान था उसको मैं थोड़ा चूरा बना ली थी। ये नमक है और अजवाइन। तो ठंडी के लिए तेल बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गर्म करके और उसमें अजवाइन ऐड कर दिया है। और दोस्तों अजवाइन थोड़ा पकने के बाद फिर मैं इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ, और नमक थोड़ा पक जाएगा फिर मैं इसमें लौंग ऐड कर दे रही हूँ। लौंग के बाद दोस्तों कपूर, और फिर लोहबान, और इसके बाद दोस्तों तेल थोड़ा पक गया था तो इसके बाद दोस्तों मैं इसमें रतन जोत ऐड कर दे रही हूँ। तो रतन जोत ऐड करने से तेल जो है एकदम लाल हो जाता है। और फिर लहसुन ऐड कर दी हूँ, और इसको थोड़ा थोड़ा चलाते हुए अच्छे से हम पका लेंगे। और पकने के बाद इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जो तो ठंडा हो गया है तो मैं इसको शीशी में भर ले रही हूँ, प्लास्टिक की बॉटल है तो इसमें मैं भर के रख दे रही हूँ छान के, और फिर लगाने लायक ये तेल हो गया है। तो ठंडी में दोस्तों या बुज़ुर्ग हो या जिनके दर्द हो घुटनों में कमर में, तो मैं अपने बच्चों को भी यही तेल पका के रख देती थी, लगाती थी। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है कलर इसका, और बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो आप लोग ये ठंडी आ रही है तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। और दोस्तों अगर 6 महीने से छोटे बच्चे हैं तो आप लौंग को अवॉइड कर सकते हैं। और सारी जो सामग्री है उसके जो तेल मैं बनाई हूँ तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो देखिए दोस्तों ये शाम का है ब्लॉग, और ये करी पत्ता है। तो दोस्तों आप सभी ने पहला वाला ब्लॉग और 3-4 ब्लॉग है ऐसे कि यहाँ का है मेरा, इसके बाद गांव का है मेरे। नमस्ते दोस्तों, तो आप सभी ने देखा मैं बनाई हूँ तेल, और दोस्तों ये तेल बहुत फ़ायदेमंद है। ठंडी आ रही है, ठंडी के लिए बच्चों को मालिश के लिए, और जोड़ों में दर्द हो वहाँ मालिश करने के लिए, तो दोस्तों बहुत अच्छा तेल है। तो आप लोग ठंडी में एक बार ज़रूर बना लीजिएगा, और बना के ऐसे रख दीजिएगा। और दोस्तों मैं अपने घर नहीं हूँ, आप लोग अगर मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे मैं यहाँ थी। तो मैं आ गई हूँ अपने पति देव के यहाँ, तो मैं 2-4 दिन और रहूँगी, इसके बाद फिर मैं चलूँगी अपने घर। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।